रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में देहरादून रुड़की मार्ग पर आर्मी के जवान और पुलिस के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब आर्मी की गाड़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से टकरा गई। इसी बात को लेकर दरोगा और आर्मी के जवानों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। इस दौरान लोगों की भीड़ आर्मी के जवानों के पक्ष में नारेबाजी करने लगी, जबकि पुलिस का दारोगा और कांस्टेबल आर्मी की गाड़ी को रोक कर खड़े रहे। इसी बीच दारोगा और आर्मी के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही भीड़ ने आर्मी की गाड़ी को वहां से भगा दिया। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह बिष्ट अपनी निजी कार से रुड़की से भगवानपुर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार रामनगर के पास पहुंची तो पीछे से आ रही आर्मी की गाड़ी से साइड लग गई, जिसमें दारोगा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। दरोगा ने आर्मी की गाड़ी को रोकते हुए कार्रवाई की बात की, जिसके बाद आर्मी के जवानों और दरोगा के बीच कहासुनी शुरू हो गई, साथ ही धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा होता देख लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। वहीं मौजूद लोगों की भीड़ आर्मी के पक्ष में उतर आई और इंडियन आर्मी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आर्मी की गाड़ी को वहां से निकाल दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मामले में दरोगा अनिल सिंह बिष्ट ने बताया कि वह रुड़की कोर्ट से रिमांड लेकर भगवानपुर थाने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी में आर्मी की गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बदसलूकी की, भीड़ ने भी उन्हें भगाने का काम किया है। मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। देखो ये आर्मी की गाड़ी आ रही थी इधर से और ये पीछे से साफ भी आ रहे थे, ये पुलिस वाले इनकी गाड़ी साइड से टच हुई है, एक्सीडेंट हो भी जाता है इनको पुलिस वालों को मानना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। आर्मी वाले लेट हो रहे हैं, बहुत देर से लेट हो रहे हैं आर्मी वाले, ठीक है। पब्लिक भी आर्मी के साथ है, आज बहुत देर से पुलिस वालों को समझा रही है मैं जाने तो जानो, ये लोग नहीं मान रहे, गाड़ी के सामने आ रहे हैं। हल्की सी गाड़ी टच हुई दोनों की, आर्मी की और पुलिस की। मैं कोर्ट से आ रहा था रिमांड लेके, जैसे मैं यहाँ आया तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई। तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, जबरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देके जो है किनारे कर दिया। इस दौरान पब्लिक भी इकट्ठी हुई है, पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, एक दो लड़के हैं, इनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मुकदमा लिखा जाएगा इनके खिलाफ।